हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज अपन इस चैप्टर का लास्ट वाला पॉइंट है उसको पढ़ने वाले हैं, और वो लास्ट पॉइंट अपना चल रहा है क्या, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें अपने पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था दो टाइप के कारक थे, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। और उसमें अपन जो पहले वाला जो कारक था कौन सा, सक्रिय कारक वाला, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। जलवायु कारक और जैवमंडल वाले कारक पढ़ चुके हैं। आज जो अपन बात करने वाले हैं टुडे, वो बात करेंगे निष्क्रिय कारक, इसकी बातें करेंगे अपन, निष्क्रिय कारकों की इसके अंदर बातें करने वाले हैं। और निष्क्रिय कारकों में अपन देख रहे हैं अपन कौन कौन से कारक है, पैतृक कारक, स्थलाकृतिक कारक और समय, तीन कारक है मोस्टली। तो अपने वन बाय वन इसके बारे में देखना है कि रियलिटी में होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करें इन कारकों के अंदर, सबसे पहले अपने पास में निष्क्रिय कारकों में पहला जो कारक आपके पास में कौन सा, पैतृक कारक, कौन सा है, पैतृक कारक है। अब पैतृक पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, आप नॉर्मली देखिए जो पदार्थ जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी तो मिट्टी बनाएगा। जैसे मैं कहूँ चूना पत्थर, चूना पत्थर है की अगर बात करें, और एक मैं कहूँ कि बेसाल्ट है इसकी अगर बात करें, और एक मैं कहूँ ग्रेनाइट है, कौन जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी मिट्टी बनाएगा। इसका मतलब चूना पत्थर आसानी से टूट जाता है, ये कम कठोर प्रवृत्ति का होता है, ये इसकी प्रवृत्ति हो गई जल्दी मिट्टी बनाएगा। बेसाल्ट थोड़ा चूना पत्थर की तुलना में टाइम ज्यादा लेता है कि मिट्टी बनाने में भी समय लगेगा। ग्रेनाइट जो होता है बहुत धीरे धीरे टूटता है, टूटने की प्रक्रिया काफी मंद होती है इसकी, तो इसको भी ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस प्रवृत्ति का पदार्थ होता है उतना ही समय उसको टूटने में लगता है। अब जब उसका अपचय नहीं होगा तब तक मिट्टी उससे नहीं बनेगी। तो पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, पैतृक पदार्थ कैसा, जो मिट्टी बनाने वाला पदार्थ उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। इसमें अपने देखा चूना पत्थर है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, अगर अपन इसको दे तो कौन जल्दी मिट्टी बनाएगा कौन जल्दी नहीं बनाएगा, ये अपन इसके अंदर बात की है। दूसरा अगर बात करें पैतृक पदार्थ के अंदर, दूसरा अपने पास में स्थलाकृतिक कारक, कौन सा है, स्थलाकृतिक कारक। स्थलाकृतिक कारक का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपर जो अपने पास में पदार्थ पाए जा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर जो अपने पास में पदार्थ हैं जैसे पहाड़ वगैरह हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, चट्टानें हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पाई जा रही है। इसका मतलब चट्टानें अगर हैं ऊबड़ खाबड़ है, कैसी हैं, ऊबड़ खाबड़ का मतलब हो गया ऊबड़ खाबड़ है या समतल है, कौन सी सतह के ऊपर पाई जाती है, वहां पर नमी कैसी है, वहां पर वायु कितनी चलती है, वायु से टूटने के चांस कितने होते हैं, भूस्खलन वगैरह तो नहीं होता है। अब जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र वहां पर उगते हिमाचल प्रदेश वगैरह अपन बात करें तो वहां मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो जल्दी हो जाती, क्यों, क्योंकि वहां भूस्खलन ज्यादा होता है। नॉर्मली जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पर पहाड़ों की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ऊंचाई कम होगी तो क्या होगा, जब उससे ऊपर पहाड़ से चट्टाने गिर के नीचे आती है तो क्या होगा, ऊंचाई कम होने से उतना उसके अंदर क्षरण नहीं हो पाएगा। अब एक पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है तो क्या होगा, उससे उसका क्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। स्थलाकृति जो होती है, टेढ़े मेढ़े जो पहाड़ होते हैं जल्दी ही टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पहाड़ जल्दी टूट जाएंगे, हवा के झोंका या कहीं से लगा या उसका अपक्षरण हो गया किसी भी जलवायु कारक के द्वारा या किसी भी भौतिक परिस्थिति के कारण, तो वहां से क्या होगा, उसकी से बनने वाली जो मिट्टी होगी वो अलग प्रकार से होगी। अपन नॉर्मली देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो मिट्टी होती है वो अलग प्रकार की पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र के अंदर मिट्टी होती है वो अलग प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि उसका निर्माण जो होता है वो पैतृक पदार्थ क्योंकि साथ साथ स्थलाकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पर वर्षा कितनी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा हो रही है, नमी ज्यादा मिलेगी तो वहां पर मिट्टी अलग मिलेगी आपको। समतल वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां पर मैदानी क्षेत्र अपन कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में क्या होगा, वहां पर चट्टाने जो पैतृक पदार्थ कहते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, वहां पर जैविक कार्बनिक पदार्थ भी अपने को मिल जाएंगे, तो मिट्टी का निर्माण भी क्या होगा वहां पर आसानी से हो जाएगा। तो ये है स्थलाकृतिक जो कारक होते हैं वो डायरेक्टली मिट्टी के निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं, ये कारक इसके अंदर आते हैं। और सबसे लास्ट में अपने पास में कारक है उस समय, नॉर्मली अपन देखते हैं टाइम, समय, समय का मतलब क्या है, कितना टाइम लगता है। और नॉर्मली अगर बात करें स्टूडेंट्स तो लगभग एक मिट्टी की परत को बनने में लगभग 200 साल लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं, 200 साल। अब आप लगाइए कितनी धीरे मिट्टी बनती है, एक खेत की जो मिट्टी ऊपर की लेयर बनने में 200 साल लगभग लग रहे हैं, तो मुझे बताइए एक स्तर से दूसरे स्तर में तीसरे स्तर में बदलने में कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसमें कितनी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं,
कई बार अपने खेत में जुताई करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर तिबारा करते हैं, उसमें उर्वरक डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब जाके वो उपजाऊ भूमि बन पाती है। तो मेन प्रोसेस क्या हो गया, कितने साल लग जाते हैं, टाइम भी डिपेंड करता है। आप चाहिए कि एक दिन में बन जाए मिट्टी, इम्पॉसिबल है, असंभव काम है कि एक दिन के अंदर मिट्टी की नई परत बन जाए, नहीं बन सकती, काफ़ी लंबी प्रोसेस उसके अंदर करना पड़ता है। और प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, मिट्टी को पढ़ने के अंदर समय लगता है। अब ये भी देखना पड़ता है कि उसमें कौन कौन से ऐसे कार्य सक्रिय निष्क्रिय कार्य उपलब्ध हैं या नहीं है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है समय। जितना अपने पैतृक पदार्थ उपलब्ध होते जाएंगे तो मिट्टी का निर्माण जल्दी होता चला जाएगा, अच्छी कंडीशन मिलेंगी, सत्य मिलेंगी, सक्रिय कारक जल्दी मिल जाएंगे, पैतृक पदार्थ बढ़िया मिल जाएगा, कार्बनिक पदार्थ वगैरह जल्दी मिल जाएगा, समय पर उपलब्ध हो जाएगा, समय कम लग जाएगा। यह समय है, मंद प्रक्रिया होती है। अपन ने पहले भी देखा कि मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, मंदक प्रक्रिया होती है। और मंदक प्रक्रिया मतलब धीरे धीरे स्लोली चलती रहती है, और स्लो प्रोसेस से चलने के कारण क्या होगा, मिट्टी का निर्माण भी क्या होगा, लगातार इसके अंदर चलता हुआ जाएगा। ओके, ये मोस्टली अपन ने यहाँ पर कारण देखे स्टूडेंट्स। नॉर्मली अपन यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स इस वाले के अंदर अपन जो बात की मृदा कारक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, उनकी बातें पांच कारक अपन ने यहाँ पर देखे, जो मोस्टली अपन ने यहाँ पर वाले पार्ट को अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। नॉर्मली ये वाला जो बड़ा पार्ट था, ये वाला जो चैप्टर था, ये लगभग कम्प्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर को समराइज कराऊंगा, सार कराऊंगा, कौन कौन से पॉइंट टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उनकी बातें अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में सिर्फ समराइज करना है अपने को। टॉपिक को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा उसको मेमोराइज करना है कौन कौन से पॉइंट पे अपन ने क्या पढ़ा है। ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पूरे इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपको प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको तैयारी करनी है कौन कौन से टॉपिक में क्या है, कितना याद है आपको क्या है, और उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी अपने रहेंगे इस चैप्टर के, वो चैप्टर के मैं आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसी के हिसाब से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चन बड़े जो भी रहेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिलेंगे। फिलहाल अपन ने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था इस वाले की कंप्लीट अपन ने यहाँ पर इसको कर लिया है। छोटा सा चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो ज़्यादा पॉइंट नहीं इसके अंदर, मिट्टी संबंधी सारी अवधारणाएं इसके अंदर टिकी हुई है। ओके, बाकी बातें अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर इसकी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।